दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। रोज की तरह भगवान बुद्ध शाम के समय बैठे हुए थे। वे एकांत मन से कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनका एक शिष्य उनके कक्ष में प्रवेश किया। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। आते ही वह शिष्य ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, एक जमींदार ने मेरा अपमान किया, आप तुरंत चलें और उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाने की कृपा करें। वह शिष्य अत्यंत क्रोध में था। वह उस जमींदार के बारे में और भी बहुत सारी बातें बुद्ध से कह रहा था। उसकी बातें ध्यान से सुनने के पश्चात बुद्ध कहने लगे, तुम क्रोध में हो और सच्चा बौद्ध कभी भी क्रोध के आवेश में नहीं आता। यह बात तुम्हें समझनी चाहिए। तुम इस प्रसंग को भूल जाने की कोशिश करो। जब इस बात को तुम भुला दोगे तो उसने तुम्हें जो अपमान किया वो अपमान भी नहीं बचेगा। पर वह शिष्य फिर कुछ कहने लगा। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, उस मूर्ख ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया, आपको चलना ही होगा। यह सुनकर बुद्ध को समझ में आ गया कि शिष्य अब बदला लेना चाहता है। अब बुद्ध को समझ आ रहा था कि शिष्य के अंदर बदले की भावना प्रबल हो रही है। उन्होंने यह भी सोचा कि अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं। बुद्ध उसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं और मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान क्यों किया, पर हम अभी नहीं, हम सुबह चलेंगे। उस शिष्य ने भी कुछ सोचा और कहा, ठीक है बुद्ध। अगले दिन सुबह हुई, बात जैसे आई और गई सी हो गई। वह शिष्य अपने काम में व्यस्त हुआ और बुद्ध भी लीन हुए अपने ध्यान में। धीरे धीरे समय बीतता चला और दोपहर होने लगी। दोपहर होने पर भी जब शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने खुद ही शिष्य से पूछा, चलो उस जमींदार के पास चलते हैं। यह बात सुनने के पश्चात शिष्य ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने जब उस घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती पर भारी पश्चाताप है। मैं उस पश्चाताप की आग में जल भी रहा हूं। अब उस जमींदार के पास चलने की कोई प्रयोजन नहीं है। अब भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, अच्छा, अगर यही बात है तो अब तो हमें उस जमींदार के पास जाना ही होगा। शिष्य ने कहा, लेकिन क्यों बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अब जब तुम स्वीकार कर ही रहे हो कि भूल तुम्हारी ही थी तो अपनी भूल के लिए माफी नहीं मांगोगे? दोस्तों, यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, जब शिष्य आकर गुरु से शिकायत करता है, वह कहता है कि उसका अपमान हुआ है, तब बुद्ध ने उसे कहा था कि सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने मन को स्वच्छ रखिए और गलतियां भी कम से कम करने की कोशिश करें। दूसरी बात, कभी भी अगर आपको ये महसूस हो कि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसको थोड़ा समय दें। जैसे कि बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि हम आज नहीं सुबह चलेंगे। शिष्य को इस पर एक पूरी रात सोचने और विचार करने को समय मिल गया और जब सुबह हुई तो सब कुछ रोज की ही तरह सामान्य था। तो दोस्तों, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अपमान और सम्मान ये दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप क्रोध के आवेश में होते हैं तब आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है।